क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है, ये क्या आइटम है? बाबू मेरी धरती पर आता है, परदेसी बाबू आपके धरती पर आता है और आपकी बेटी को बेइज्जत करता है। पहले दिग्विजय सिंह जी ने मीनाक्षी नटराजन जी के बारे में कहा था कुछ, मुझे याद नहीं, मंदसौर में कुछ महिलाएं ऐसा कुछ कहा था। अब कमलनाथ जी ने कहा इमरती जी के बारे में कि आइटम अजय सिंह जी कहते हैं जलेबी, ये सोच है महिलाओं के प्रति। सर राहुल गांधी ने आपके बयान पर नाराजगी जाहिर करी है, उन्होंने कहा है कि इस तरीके जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया गया ये महिलाओं के लिए तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं। अब वो राहुल जी की राय है और उनको जो समझाया गया कि किस संदर्भ में मैंने ये कहा था, मैंने तो साफ कर दिया मैं किस संदर्भ में कहा था, इसमें और कहने की आवश्यकता नहीं है। इस मनुष्य की दृष्टिकोण को आप देखिए कि आज अपने सफाई में कहते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया। आज जो ओछी राजनीति का परिचय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी दे रही है, ये यही दर्शाती है कि उनकी असली मानसिकता और उनकी असली नीति और नियत क्या है। जो कमेंट इन्होंने किया एक महिला के प्रति, जो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिला है, जो गांव-गांव से उठकर आई है, मेहनत मशक्कत कर आई है, 35 साल का इसका जनसेवा का इतिहास है, पग पग चलकर राजनीति और जनसेवा की सीढ़ी पर चढ़ी है, सरपंच बनी है, जिला पंचायत की सदस्य बनी है, जिला पंचायत की अध्यक्ष बनी है, एक बार नहीं 3-3 बार विधायक बनी है, कमलनाथ जी की मंत्रिमंडल की सदस्य बनी है। और इस मनुष्य की दृष्टिकोण को आप देखिए कि आज अपने सफाई में कहते हैं कि मैं उनका नाम भूल गया। मध्यप्रदेश में तो कभी भी शब्दों की दरिद्रता नहीं रही, दुर्भाग्य से कमलनाथ जी के टेन्योर के बाद से ये परंपरा ख़त्म हो गई। बाकी जिस प्रकार से उन्होंने शब्दों की दरिद्रता दिखाई है उससे प्रदेश की राजनीतिक प्रतिष्ठा खराब है। पिछले दरवाजे से दोबारा यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने हैं और पब्लिक को ये स्वीकार नहीं है, और जो चुनाव हो रहे हैं 28 जगहों पर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। न सिर्फ मध्य प्रदेश में लेकिन बिहार में अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल जीत कर आएंगे। कांग्रेस बराबर एक मुद्दा लेके चल रही है कि सिंधिया जी गद्दार हैं, क्या आप भी यही मान के चलते हैं? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपना निर्णय लेने के लिए, किस दल में रहना है, किस पार्टी में रहना है, और जनता निर्णय करेगी कि किसका निर्णय सही किसका निर्णय गलत है। If you like this video, share it and subscribe to Business Standard. For more news, views and insights, log on to www.business-standard.com. Do also follow us on YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram and LinkedIn.